तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मास चॉइस सेंटर में। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप अपना राशन कार्ड का फोटोकॉपी ऑनलाइन कैसे निकाल सकते हो, और साथ ही साथ आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना है तो उसे आप कैसे बनवा सकते हो, अगर राशन कार्ड में कोई करेक्शन है तो उस करेक्शन को कहां पे करवा सकते हो, और तो और अगर किसी का नाम जोड़ना या काटना है तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं कि उसका फॉर्म आपको कहां से निकालना है और भरना कैसे है और कहां पे आपको उसको सबमिट करना है। तो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एकदम सटीक जानकारी देने वाला हूं और 100% आपका राशन कार्ड बनेगा। छत्तीसगढ़ शासन के तहत बनने वाला राशन कार्ड को कैसे बनवा सकते हो, अगर किसी का नाम ऐड करना है, ये सब मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर दिए तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है गवर्नमेंट के साइट में, सीजी खाद्य में। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सीजी खाद्य खोला मैंने। तो सबसे पहले देखते हैं राशन कार्ड की फोटोकॉपी कैसे निकाले। तो इसके लिए नीचे आना है आपको हल्का सा, यहाँ पे देखो राशन कार्ड की जानकारी लिखा हुआ है, यहाँ पे एक बार क्लिक करना है। ये क्लिक किया मैंने, फिर यहाँ से आप राशन कार्ड नंबर डाल के अपना राशन कार्ड यहाँ से निकाल सकते हो, या आधार नंबर डाल के आप यहाँ से राशन कार्ड निकाल सकते हो, या फिर अगर आपको राशन कार्ड नंबर नहीं पता है, आधार कार्ड नंबर नहीं पता है, तो इस स्थिति में आप नाम के थ्रू यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आधार कार्ड के थ्रू कैसे मैं अपना राशन कार्ड ढूंढ रहा हूँ। जैसे मेरा आधार नंबर है, तो जैसा कि आप देख सकते हो ये मेरा राशन कार्ड निकल चुका है। बस आधार कार्ड नंबर डाला मैंने और सर्च किया, मेरे राशन कार्ड में जितने लोग हैं सबका नाम यहाँ पे नीचे में दिखा रहा है। ऐसे ही आप भी राशन कार्ड यहाँ से निकाल सकते हो और बस राइट क्लिक करके प्रिंट करके आप इसकी फोटोकॉपी भी पा सकते हो। प्रिंट करोगे तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। तो अब चलते हैं दूसरी जानकारी की तरफ। दूसरी जानकारी ये था कि आप कैसे अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म भर सकते हो, उस फॉर्म को आप कहां से डाउनलोड करोगे। मान लीजिए अगर आप सामान्य परिवार से आते हैं तो सामान्य परिवार के लिए APL बनता है, तो APL का फॉर्म यहां पे अगर क्लिक करोगे आप तो ये मिल जाएगा PDF में। इसको प्रिंट करके आपको सिंपल सा हिंदी में भरना है, तो कुछ नहीं, एक फोटो लगाना है, वार्ड का नाम लिखना है, ग्राम पंचायत का नाम लिखना है, तहसील का नाम लिखना है, जिला लिखना है, बाकी सब भरा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है आवेदक का पूरा नाम सरनेम सहित, है ना। जैसे कि मेरा नाम मनोज सोनकर है, तो इसमें पूरा नाम मनोज सोनकर हिंदी में पहले लिखूंगा, फिर नीचे में कैपिटल लेटर में अंग्रेजी में भरूंगा मनोज सोनकर, जैसे MANOJSONKAR। जस्ट नीचे में दूसरा नंबर में लिखा हुआ है पिता या पति का नाम, तो पिता या पति का नाम यहाँ पे हिंदी में भरना है। जाति कौन सा है उसको यहाँ पे डाल देना है, जैसे आपका जो भी जाति रहे उसका वर्ग को डालना है, जैसे मेरा अन्य पिछड़ा वर्ग है तो अन्य पिछड़ा वर्ग यहाँ पे मैं डाल दूंगा। उसके बाद नीचे में दिया हुआ है चौथा नंबर में मकान नंबर, मकान नंबर डाल सकते हो आप। मकान नंबर पता नहीं है तो आपका आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड में लिखा होगा, वहाँ पे आप देख के मकान नंबर डाल सकते हैं। जैसे गली है आपका, आपका मोहल्ला का नाम नंबर यहाँ पे डालना है, उसके बाद मोहल्ला का नाम या फिर गांव का नाम, ठीक है, पंचायत का नाम यहाँ पे डालना है अगर पंचायत से हो तो। उसके बाद नीचे लिखा है आधार कार्ड के अनुसार आवेदक की जन्म तिथि, जो आपके आधार कार्ड में आपका जन्म तिथि है उसको यहाँ पे डालना है। आवेदक का मतदाता परिचय पत्र क्रमांक, आपका वोटर आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पे डालना है अगर है तो। आवेदक का मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना अनिवार्य है। संलग्न किए जाने वाले उचित मूल्य दुकान का नाम, यहाँ पे आपके उचित मूल्य का दुकान का नाम डालना है, सब वार्ड में अलग अलग दुकान का नाम रहता है, उस नाम को यहाँ पे भरना है। इसके बाद आवेदक के परिवार में, आवेदक के परिवार के सदस्यों का विवरण, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, सब सदस्यों का यहाँ पे नाम लिखना है। आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि यहाँ पे डालना है, लिंग डालना है, पुरुष है कि महिला है उसको डालना है। आवेदक मुखिया के साथ संबंध, जिसके नाम पे आपका राशन कार्ड बन रहा है उस व्यक्ति से आपका संबंध क्या है, अगर आप पति हो तो पति डालना है, पुत्र है तो पुत्र, पुत्री है तो पुत्री, बहू है तो बहू, दादा है तो दादा, बेटा है तो बेटा, ये सब यहाँ पे संबंध दर्शाना है। उसके बाद आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे बाकायदा साफ साफ अक्षरों में सबका लिखना है। भरने के बाद नीचे में आपका मुखिया के हस्ताक्षर रहेगा, जिसके नाम पे राशन कार्ड का फॉर्म डल रहा है उसका हस्ताक्षर यहाँ पे रहेगा। स्थान आपको डालना है, दिनांक डालना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये नीचे की जानकारी आपको नहीं भरना है, इसको छोड़ देना है। ये आपको नगर पालिका वाले आएंगे, जैसे आप शहर में रहते हो तो नगर पालिका वाले आएंगे, अगर आप गांव में हो तो आपका जो जनपद पंचायत है वहां से हो सकता है आपका सचिव या फिर जनपद जिसको सत्यापन करने का अधिकार दे वो आएगा, वो इसको पूरा भरेगा, यहाँ साइन करेगा, अपने पद का नाम लिखेगा, जैसे सचिव है तो सचिव लिखेगा, कोई अन्य पद में है तो उस पद का नाम लिखेगा, कार्यालय अपना नाम लिखेगा और यहाँ नीचे में मोबाइल नंबर डालेगा। आवेदन शुल्क पावती, ये पावती आपको फाड़ के देगा वो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब मैं बताने वाला हूँ BPL मतलब जो गरीबी रेखा कार्ड है उसको बनाने के लिए कहाँ से अपन डाउनलोड कर सकते हैं। तो
पीछे चलते हैं, ये दोनों तो हो गया। इसके बाद देखो, अगर आपका राशन कार्ड नवीनीकरण करना है तो आप यहाँ से उसका घोषणा पत्र भर के राशन कार्ड को नवीनीकरण कर सकते हो। सेम इसमें भी वैसी है, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, पूरा पूरा लगभग लगभग सेम वैसी है, 90% कुछ एक आध परसेंट इधर उधर है, उसको आप समझ जाओगे। ये पूरा हिंदी में लिखा हुआ है। अब आपको मैं बताता हूँ मुख्य जो है बीपीएल कार्ड का फॉर्म कहाँ से आपको मिलेगा, या फिर नाम जोड़ने का, नाम काटने का फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा। आपको वो मिलेगा ये जो दिख रहा है समाचार एवं घोषणाएं, इसके अंदर एक ये आ गया राशन कार्ड नियम 2016 में क्लिक करना है आपको। थोड़ा देर वेट करने के बाद आपका ये पीडीएफ खुल जाएगा। ये लगभग 32 पेज का पीडीएफ है, छत्तीसगढ़ सरकार का राजपत्र है। इसमें स्क्रॉल करते करते नीचे करना है आपको, इसी में आपको फॉर्म मिलेगा करेक्शन का और ऐड करने का। देखिए ये 9 नंबर में है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नियम 2016 के अंतर्गत नवीन राशन कार्ड हेतु आवेदन सा घोषणा पत्र, इसको भरना भी एकदम आसान है। नया राशन कार्ड का ये फॉर्म है बीपीएल वाला, सेम जैसे पहले बताया था वैसे ही एकदम। जो मुखिया उसके नाम से भरना है, इसको मुखिया के जो परिवार वाले हैं उसका नाम यहाँ पे भरना है। पूरा लगभग लगभग सेम है, पत्र दो भी भरना है। इसमें छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत राशन कार्ड में सदस्य जुड़ने हेतु प्रारूप, अगर किसी का नाम जुड़वाना है आपके राशन कार्ड में तो इसे भरना है, प्रारूप पपत्र टू को भरना है और इसके माध्यम से आपको नाम जुड़ जाएगा। वैसे नीचे देखते हैं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत राशन कार्ड के सदस्य अंतरित करने हेतु आवेदन, जैसे किसी का नाम कटवाना है आपके राशन कार्ड से तो उस स्थिति में इस फॉर्म को मतलब प्रपत्र तीन को भरना है। और अगर आप गांव के हो तो, अगर आप गांव के हो तो जनपद पंचायत में, और शहर के हो तो नगर पालिका नगर पंचायत जो भी आपका पड़ता है वहां पे आप जमा करके ये काम कर सकते हो। बस इतना छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप सभी ने सब्सक्राइब जरूर किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आपने अपना इतना कीमती समय मेरे इस वीडियो के लिए निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों, थैंक यू सो मच।